नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आई होप आपने मेरे पिछले सारे वीडियोस MVC रिलेटेड जो ट्यूटोरियल्स हैं वो देख लिए होंगे। तो अब तक आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि MVC में प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, व्यू कैसे ऐड करना है, कंट्रोलर कैसे ऐड करना है, उनका यूज़ क्या है, मॉडल क्या है, व्यू बैग व्यू डेटा क्या है। आज का ये वीडियो है, इसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे डेटाबेस टेबल से। तो बिना वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि व्यू के अंदर मैंने यहाँ पे मॉडल को बाइंड करके यहाँ पे ये मॉडल से रिकॉर्ड डिस्प्ले कराए थे, और जो मेरा कंट्रोलर है उसमें नॉर्मली मैं ये मैंने मॉडल बनाया था और उसमें हार्ड कोड वैल्यू पास करके मैं व्यू को सेंड कर रहा था और व्यू में वहाँ पर डिस्प्ले कर रहा था। अभी सपोज़ मेरे को ये रिकॉर्ड डेटाबेस से लेके आना है तो वो मैं कैसे करूँगा, वो हम आज उस बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि और भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड और कोडिंग रिलेटेड मैं वीडियोस लाता रहूँगा और आपको उसका प्रॉपर अपडेट मिलता रहेगा। डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए MVC और .NET में बहुत सारे ऑप्शन हैं। लाइक आप डायरेक्टली ADO .NET के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, Entity Framework के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप डायरेक्टली कंट्रोलर से आपका जो डेटाबेस है जिसके SPs या टेबल को कॉल नहीं करें। दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ गुड डिज़ाइन। इंस्टेड एक रिपॉजिटरी पैटर्न यूज़ करें। वो क्या होता है उसके बारे में आके डिटेल से हम लोग बात करेंगे। अभी आज के लिए हम लोग सिर्फ डेटाबेस से कनेक्ट करके देखेंगे। मैंने यहाँ पे मेरे डेटाबेस में एक टेबल है प्रोडक्ट्स, ये मेरा डेटाबेस है ऑनलाइन कार्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल है जहाँ पे वेरियस कॉलम्स हैं जो मुझे वहाँ पे लिस्ट कराने हैं। अभी जो एक ऑप्शन मैं बात कर रहा हूँ वो है एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू। मैं यहाँ सॉल्यूशन में जाके एक नया प्रोजेक्ट ऐड करूँगा, ऐड अ न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मुझे वो नॉर्मल पूछेगा तो मुझे क्लास लाइब्रेरी टाइप का मुझे यहाँ पे ऐड करना है। C# .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ MVC EF फॉर Entity Framework। तो ये सब मैंने दे दिया और बाकी सब मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ और मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे ये मेरा एक प्रोजेक्ट ऐड हो गया जो सिंपल एक क्लास वन, ये मुझे नहीं चाहिए। अभी मैं यहाँ पे सिंपल ऐड और यहाँ पे मैं न्यू आइटम, तो यहाँ पे अब मुझे ये जो ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं डेटा पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये देखिए ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अभी के लिए मैं इसको मॉडल वन ही रखता हूँ। अब नाम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं और मैंने ऐड पे क्लिक किया। तो यहाँ पे ये मुझे ऑप्शन पूछता है जो मॉडल है वो क्या कैसे कैसे क्रिएट करना है, लाइक कोड फर्स्ट फ्रॉम डेटाबेस, एम्प्टी कोड फर्स्ट मॉडल, एम्प्टी EF डिज़ाइनर मॉडल, EF डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस। तो ये क्या करेगा, ये आपका जो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो पूरा मॉडल का स्ट्रक्चर बना देगा। कोड फर्स्ट में हम लोग पहले मॉडल बनाते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली वो डेटाबेस में टेबल आपका क्रिएट कर देगा। तो इसके बारे में भी एक अलग से एक वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए मैं ये ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ EF डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस। तो डेटाबेस में जो मेरा टेबल है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये मॉडल बनाएगा। ये सेलेक्ट करके मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे वो कनेक्शन के लिए पूछता है तो मैं न्यू कनेक्शन पे क्लिक करूँगा। डेटा सोर्स मेरा SQL क्लाइंट, सर्वर नेम मेरा लोकल होस्ट है तो मैंने लोकल लिया। यहाँ पे विंडोज़ ऑथेंटिकेशन लेता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे मेरे सारे डेटाबेस के लिस्ट आ गए। तो मेरा डेटाबेस जो था वो ऑनलाइन कार्ट, उसको मैंने सेलेक्ट किया और टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक किया। टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, मतलब जो कनेक्शन आप डेटाबेस से ट्राई कर रहे हैं, आपने जो सिलेक्शन किया है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो रहा है। मैं ओके पे क्लिक करूँगा एंड देन आई क्लिक हेयर ऑन ओके।
तो ये थोड़ा प्रोसेसिंग करेगा। और ये दोस्तों ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ पे जो ये एंटिटी आ रही है ऑनलाइन कार्ड एंटिटीज़, इसको ध्यान में रखें, ये आगे भी आपको काम आने वाला है। तो नॉर्मल जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनती है वो यहाँ पे उन्होंने बना के दे दी है ऑटोमेटिकली। अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे वो वर्जन पूछता है आपको एंटिटी फ्रेमवर्क का, कौन सा वर्जन लेना है, फ्रेमवर्क 6, 5, वो आपकी ईज के अकॉर्डिंगली आप चूज़ कीजिए, जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। मैंने अभी यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट जो 6 लगा हुआ उसी को चूज़ किया, एंड आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी यहाँ पे ना वो जो टेबल जो डेटाबेस हमने कनेक्ट किया है वहाँ के सारे ऑप्शंस मुझे ला के देगा, लाइक जितनी भी टेबल्स है वो सब टेबल्स यहाँ पे आ गई, व्यूज़ स्टोर प्रोसीजर कुछ होंगे फंक्शंस तो वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, तो वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए सपोज़ मुझे सिर्फ टेबल्स चाहिए, तो मैंने टेबल्स पे क्लिक किया। इसमें से आपको कोई स्पेसिफिक टेबल चाहिए, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट पे ही क्लिक कीजिए। लेट्स ट्राई इन दिस वे, बाकी सबको डिफ़ॉल्ट रखिए और फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे ये थोड़ा प्रोसेसिंग करेगा और आपका प्रोजेक्ट जो रिक्वायर्ड फाइल्स है कनेक्टिविटी के लिए वो सब यहाँ पे क्रिएट करेगा। ये थोड़ा टाइम लेता है जनरेट होने में, जैसे ही ये प्रोसेसिंग इसने की। और ये देखिए जो टेबल मैंने सेलेक्ट किया था वो मुझे यहाँ पे उसने EDMX, इसको बोलते हैं, उसमें EDMX डायग्राम में मुझे ला के दे दिया। अगर मैं सारी टेबल सेलेक्ट करता तो सब लिस्टिंग मेरे पास यहाँ पे होती। और अगर यहाँ पे आप देखें तो ये देखिए इसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड है रेफरेंसेस एंटिटी फ्रेमवर्क का है, ये ऑलरेडी यहाँ पे उसने कुछ फाइल्स बना दी है, मॉडल, कॉन्टेक्स्ट, डिज़ाइनर, डायग्राम और ये CS फाइल हमको यूज़ करना है सपोज़ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका रेफरेंस ऐड करूँगा, प्रोजेक्ट का जो मैंने MVC_EF प्रोजेक्ट बनाया है, तो मैंने ऐड रेफरेंस पे क्लिक किया, प्रोजेक्ट्स, तो ये MVC_EF है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा MVC_EF यहाँ पे आ गया है, राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे सपोज़ ये जो मेरा Model 1 है इसको एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, ये मेरा मेथड है जो लिस्ट करेगा, जो मैंने कनेक्ट किया है मेरे टेबल से उसे लिस्ट करेगा। अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। जो मैंने स्टैटिक मॉडल बनाया था, जो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसको भी हटा दिया। यहाँ पे मुझे वो ऐड करना पड़ेगा, लाइक मैंने उसको नाम दिया था MVC_EF, तो ये मुझे यहाँ पे इसको यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे अब जब मैं वो प्रोडक्ट मॉडल एक्सेस करूँगा तो ये मेरा प्रोडक्ट मॉडल आ गया, ये आप देखेंगे वहाँ से ही डायरेक्ट उठा रहा है ये। जरूरत तो नहीं है, बट अगर सेम नेम होगा तो अपने को नेम स्पेस देना पड़ेगा। ये ऑलरेडी हम लोगों ने एक मॉडल बना के रखा है हमारे उसमें सेम नेम का, इस वजह से वो प्रॉब्लम दे रहा है। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो आई गेस अब वो नहीं करेगा प्रॉब्लम। अगर अभी याद हो तो वहाँ पे मैंने बोला था कि नेम आगे काम आएगा ऑनलाइन कार्ट एंटिटीज़, तो उसके थ्रू हम लोग कनेक्शन हम लोग बनाते हैं इन दिस एंटिटी फ्रेमवर्क, तो हम लोग उसी का यूज़ करेंगे। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, यूजिंग, वहाँ पे उसका नाम था ऑनलाइन कार्ट एंटिटीज़, न्यू एंटिटीज, ये मेरा कनेक्शन का काम करेगा वहाँ पे।
ये सिंपल हमने यहाँ पे ऐड किया है। कई बार रेफरेंस का एरर भी आता है, तो मेक श्योर कि आपने एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया हुआ है या नहीं। नॉर्मल जो न्यूगेट पैकेज है उसके थ्रू भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, जो DLL के रेफरेंस ऐड करके भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने इसको सिंपली जो मेरा एंटिटीज बना था वो यहाँ पे, अब ये जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी का काम है वो ये ऑटोमेटिकली कर लेगा। अभी यहाँ पे मुझे ये प्रोडक्ट लिस्ट में जो मेरी टेबल है वहाँ पे प्रोडक्ट, वो मुझे यहाँ पे बाइंड करनी है डिटीज डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट सच दैट पी आई डी मेरा ये उस वहाँ पे आई डी का नाम है इक्वल्स टू। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल पास कर दूँगा PID और उस PID की डिटेल यहाँ पे मैं फेच कर लूँगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर आईडी की डिटेल मुझे प्रिंट करानी है। ये मेरा ये डिटेल आ गया, तो यहाँ पे वो कनेक्ट करेगा उसको और मुझे इसमें बाइंड करके दे देगा, और ये मॉडल मुझे यहाँ पे इसको पास करना है। अभी इस नाम का मेरा कोई व्यू नहीं है, उसमें आप देखेंगे तो प्रोडक्ट लिस्ट नाम का व्यू नहीं है, प्रोडक्ट डिटेल नाम का है। चलो इसी को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स यूज़ दिस, इसको न्यू कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड व्यू पे क्लिक किया, एम्प्टी विद मॉडल, और मॉडल में यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ जो प्रोडक्ट क्लास है मेरी इस प्रोजेक्ट की, और मैं सिंपल ऐड पे क्लिक किया मैंने, ये मेरा यहाँ पे वो व्यू क्रिएट करेगा। यहाँ पे देखिए मेरा व्यू इसने क्रिएट कर दिया है। अभी सपोज मैं इसका ही ये सेम एज इट इज़ टेबल कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया। अब इस मॉडल के अंदर मुझे क्या क्या मिल रहा है वो देखना पड़ेगा। ये मेरा PID जो टेबल का नाम है वो आ गया, उसके बाद नेम में नेम ये मैंने ले लिया, प्राइस और लॉट ऑप्शन आई हैव टू चेक यूनिट प्राइस ये मैंने यहाँ पे ले लिया राइट। ये इसको मैंने सेव कर दिया सिंपल। एक बार डेटाबेस में देख लेते हैं कि इस टेबल में मेरे रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो हम उस आईडी के अकॉर्डिंगली उसको फेच करेंगे और वहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास चार रिकॉर्ड है, सपोज़ हम 3 और 10 का ट्राई करते हैं एक बार, और एक बार इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे ये बिल्ड हो गया है। अभी जो हमारा मेथड है प्रोडक्ट स्लैश, हम लोगों ने इसको नाम दिया था प्रोडक्ट डिटेल न्यू, प्रोडक्ट डिटेल न्यू, और आईडी जैसा कि मैंने बोला 3 पास करके देखते हैं, 3 और 10। तो ये ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगाया मैंने, मेरा यहाँ पे आया, इसने यहाँ पे फेच किया, नो कनेक्शन स्ट्रिंग, ओके सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, जो हम लोगों ने ऊपर जो प्रोजेक्ट में ऐड किया था वो कनेक्शन स्ट्रिंग इस प्रोजेक्ट में भी डालनी पड़ेगी क्योंकि उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो जो प्रोजेक्ट ऐड किया था उसमें ऐप कॉन्फिग के अंदर से ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ये एज इट इज़ हमको इस प्रोजेक्ट के वेब कॉन्फिग में डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे उसको डेटाबेस की कनेक्टिविटी वहाँ पे नहीं मिल रही है। यहाँ पे हम लोग ये इसको कनेक्शन स्ट्रिंग एज इट इज़ यूज कर लेते हो।
तो वापस एक बार बिल्ड करेंगे। एंटिटी फ्रेमवर्क भी कई बार ऐसा होता है कि इंस्टॉल नहीं होता है, तो न्यूगेट पैकेज मैनेजर में जाके हम लोग वो इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल है, आप सर्च मारेंगे उसको ब्राउज सेक्शन में जाके, तो वहाँ पे जो ऑप्शन देगा आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये मेरा यहाँ पे रन हो गया डॉट स्लैश डॉट डिटेल न्यू स्लैश 3। तो यहाँ पे देखेंगे वो रिकॉर्ड की डिटेल इसके अंदर पैच करके लेके आ गया है। अगर डेटाबेस में अगर हम देखेंगे, एक बार इसको पूरा रन कर देते हैं, ID 3 नेम सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन प्राइस 300 रुपीज़। तो अगर ये सेम देखते हैं हम, ID 3 सेमी ऑटोमेटिक एंड यूनिट प्राइस 300 रुपीज़। तो ये सिंपल उसने यहाँ पे मुझे डेटाबेस से वैल्यूज ला के दे दी। अगर अपने को इसको लिस्ट में डिस्प्ले करना है, तो लिस्ट के लिए मुझे यहाँ पे लिस्ट लगेगी, मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट टाइप हम लोग लेंगे, और यहाँ पे इंस्टीड ऑफ फर्स्ट ऑफ डिफॉल्ट पूरा के पूरा प्रोडक्ट टू लिस्ट करके पास कर देंगे। और जो इसका व्यू हम लोगों ने बनाया है, वहाँ पे हम प्रोडक्ट के आगे आई इन्यूमरेबल ऐड कर देंगे। लिस्ट के लिए तीन चीज़ें करनी पड़ती है, तो आप ट्राई कीजिए, ये सिंपल है, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट आपको यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट करना है इसको, और यहाँ पे पूरा के पूरा प्रोडक्ट डॉट टू लिस्ट पास कर देना है, और यहाँ पे इसके आगे आई इन्यूमरेबल लगा लेना है। तो ये एक असाइनमेंट समझिए आप, उसके हिसाब से इसको कीजिए। तो यहाँ पे जितने भी मेरे डेटाबेस में प्रोडक्ट रहेंगे वो सब लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। वो लिस्ट का आपको लूप चलाना है मॉडल का, तो ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू आउट इन दिस। तो दोस्तों ये सिंपल था, एक कनेक्ट किया हम लोगों ने एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू डेटाबेस से और उसको डिस्प्ले किया। और भी कई मेथड है इसको कनेक्ट करने के डेटाबेस से, लाइक अलग प्रोजेक्ट नहीं लेके मैं इसके अंदर भी डायरेक्ट एंटिटी फ्रेम EDMX ऐड करके मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैं DB कॉन्टेक्ट क्लास यूज़ करके भी कर सकता हूँ। देर आर सो मेनी वेज टू इम्प्लीमेंट दिस, तो ये उसमें से एक मेथड था। मैं नॉर्मली जो ADO डॉट नेट कनेक्टिविटी होती है कनेक्शन बना के और कमांड के थ्रू, वैसे भी कर सकता हूँ। तो वो भी आप अलग प्रोजेक्ट बना के उसमें बनाइए, उसकी DLL यहाँ पे यूज़ कीजिए, और वो फंक्शंस जो आप बना रहे हैं यहाँ पे डेटा एक्सेस लेयर, वो ये यूज़ करके आप एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों एक सिंपल था एग्जाम्पल था कनेक्टिविटी का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, अगर नहीं भी पसंद आया तो डिसलाइक करना ना भूलें, ताकि मुझे मालूम चले आपको किस टाइप के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, या जो मैं ये एफर्ट डाल रहा हूँ आप लोगों को सिखाने का वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।